जहाँ से मशीन निकली वहाँ भी बैलेट पेपर में होता है, रूस है ना, इसलिए यहाँ होना चाहिए बैलेट पेपर। जहाँ से निकली वहाँ ये होना, और हैंग हो के हमारा अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में हैंग करके दिखा रहा, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसमें मोदी जी के गणित है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हम मतदान बैलेट पेपर से कराएंगे, बहुल देश है। अगर निष्पक्ष, अगर निर्भीक, निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र, भ्रष्टाचार के विरोध बोलते हैं तो क्यों ना मतदान कराते हैं? भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? को भी डर है, लांछन लगाया जा रहा है, तो ये बैलेट पेपर से करा के निस्तारित रूप से जांच कर ले कि हाँ जनता साथ है कि नहीं है साथ में। हमको ये लग रहा है कि वो वोट हम जरूर देते हैं अपने प्रत्याशी को, लेकिन वोट जाता है दूसरे प्रत्याशी को, बीजेपी में। अधिवक्ता बंधु सब चारों तरफ रहते हैं, अलग पार्टी में रहते हैं, इधर पार्टी में रहते हैं, इससे मतलब नहीं है। ईवीएम बेस्ट है, ईवीएम ही रहना चाहिए, ठीक है। बैलेट पेपर से अगर होगा फिर पश्चिम बंगाल भी हाथ से चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के जिला न्यायालय में है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर आज हम प्रयागराज के जिला न्यायालय में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका क्या विचार है ईवीएम को लेकर। जी सर, क्या पर्चे हुआ? जी मैं एडवोकेट सुभाष भारती जनपद न्यायालय में वकालत करता हूँ। 2014 में सरकार जब बनी या सरकार के पूर्व किसी ने ईवीएम पे लांछन नहीं लगाया। ये सरकार का काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना। सरकार पे अनायास लांछन लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग एक अलग बॉडी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है बैलेट पेपर से कराए, उसको अपने ईवीएम से कराए, उसका जो सिस्टम है वो। सरकार कभी चुनाव नहीं कराती। 2014 के पहले भी चुनाव हुए हैं, 2014 में 19 में उपचुनाव हुए, कई चुनाव हुए। जब लोगों को लगा कि अब सही आदमी शासन कर रहा है तो सरकार के ऊपर लांछन लगाना शुरू। 2014 के पहले, उसके पहले भी चुनाव हुए, सारे चुनाव ईवीएम से हुए, किसी ने लांछन नहीं लगाया। यही हमारे अधिवक्ता भाई लांछन नहीं लगाए। जब सही आदमी सही सत्ता पे बैठ गया तो लोगों को लग रहा है कि अभी यह हटे कैसे। तो सरकार के ऊपर ना, निर्वाचन आयोग के ऊपर आप क्लेम करिए, सरकार चुनाव कराती है, कौन कराता है? निर्वाचन आयोग एक अलग बॉडी है। निर्वाचन आयोग से ही बोला जा रहा है। निर्वाचन सरकार के खिलाफ ना बोले, निर्वाचन आयोग के खिलाफ बोले, निर्वाचन आयोग में कंप्लेंट दाखिल करें, उनको पार्टी बनाए। सरकार हाँ करती है, 2014 के पहले कभी मांग नहीं उठी। सरकार भी तो जनता की मांग रख सकती है। हाँ रख सकती है, लेकिन 2014 के पहले क्या ये मांग उठी थी? आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम होनी चाहिए या बैलेट पेपर से? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपकी मीडिया है, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, ठीक है। ईवीएम जब आई बीजेपी कार्यकाल में नहीं आई, ईवीएम जब आई तो बीजेपी न केंद्र में थी न राज्य में, न लाने वाला कौन है? कांग्रेस लाई है, तो आज हल्ला क्यों हो रहा है? लेकिन कांग्रेस के जमाने में ईवीएम से मशीन नहीं होता था, उससे बैलेट पेपर से। मैंने ये जब शुरुआत हुई तो भाजपा केंद्र में नहीं थी। कहते हैं ना, जिसकी सत्ता उसकी लाठी। तब तो सरकार मनमोहन सिंह 10 साल थे, तब तो ईवीएम से चुनाव हो रहा था। ऐसा पहले कभी 2014 के पहले इस सरकार के मतदाता लोग लांछन नहीं लगाते थे, मतदान होता था, काउंटिंग होती थी, आज ईवीएम पे ही क्यों मतदाता इस तरीके के बात कर रहा है? जब कहता है मैंने वोट दिया तो जीते कैसे? ये सब परिस्थितियाँ आ रही, उन पर लांछन उड़ा रहे। हमारे राजा को शर्मसार होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जनता आवाज उठा रही, हम मतदान बैलेट पेपर से कराएंगे, बाहुल देश है। अगर निष्पक्ष, अगर निर्भीक, निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र, भ्रष्टाचार के विरोध बोलते हैं तो क्यों ना मतदान कराते हैं? भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? आप क्यों नहीं कराते? जिस तरह से देश विकास कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है कुछ विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए? देश विकास कर रहा है, यहाँ से बेरोजगारी नहीं, बाहुल देश में लोगों को रोजगारी रोजगार नहीं मिला, तमाम नौकरियां नहीं मिल रही। किस देश में विकास है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में होती जा रही, कौन सा विकास परिलक्षित हो रहा है भारत में? कौन सा विकास परिलक्षित हो रहा है? आपका क्या मानना है कि बैलेट पेपर होना चाहिए या फिर? मेरा मानना है कि अगर जनता की आवाज़ उठे तो, अगर राजा को ईमानदारी से काम करना, अपने ऊपर लांछन नहीं लगाना, तो बैलेट पेपर
बच्चे कराए, अगर वो सत्ता में आते तो अच्छे हैं, उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारा राजा, हम राजा से शिकायत करेंगे कि आप कराइए, उनके दायित्व संविधान के राजनीतिक तत्वों में वर्णन है कि अगर जनता आवाज़ उठा रही तो आप जनता के वेलफेयर में काम करेंगे, आप संविधान से बड़े, अगर संविधान के रिजिए उड़ा रहे तो उड़ाई कोई बात नहीं है, जनता क्या करेगी, हाँ जबरा मारे रोवाइंदे वही जनता है, क्या कर जैसे करो। हमारे साथ कुछ और युवा साथी आइए, इनसे जानने का प्रयास, इनका क्या जी भैया क्या जी पत्रों? मेरा नाम सुनील कुमार सरोज है, मैं मेरा कहना ये है, जैसे सर ने अभी बताया कि लांछन लगाया जा रहा है, तो सर से मेरा यही गुजारिश है कि जो लांछन लगाते हैं, जैसे सर अधिवक्ता हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और केस देखते हैं, किसी के ऊपर लांछन लगाया जाता है, सबूत इकट्ठा करते हैं, तो इनको भी डर है लांछन लगाया जा रहा है, तो ये बैलेट पेपर से करा के निस्तारित रूप से जाँच कर ले कि हाँ जनता साथ है कि नहीं है साथ में, बस लांछन के रूप में ये हट जाएंगे बाहर, जिसको जीतना हो पूरी तरीके से, से भी तो सर से पूछ लीजिए लांछन। मेरा ये कहना है, आज आईटी युग चल रहा है, जमीन से चंद्रयान पे लोग पहुंच गए हैं, पैदल से साइकिल हो गई, साइकिल से बाइक, बाइक से कार हो गई, क्या लोग बैलगाड़ी से चलेंगे आज? कितने लोग तैयार हैं बैलगाड़ी से कचहरी आने के लिए, कोई बता दे, कोई बता दे बैलगाड़ी से कचहरी आने के लिए तैयार है या तांगा से आने के लिए तैयार है? जब दुनिया आगे जा रही है, दुनिया आगे जा रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कैसे होगा? इतनी जनसंख्या उनसे पूछिए कि जो कह रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई उसकी जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, वहाँ जितनी जनसंख्या होगी उतने तो यहाँ मतदाता अकेले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप द्वारा दिल्ली में के जंतर मंतर में प्रदर्शन, ये उनका व्यक्तिगत मामला है ना, यहाँ तो हम विरोध करेंगे, अगला समर्थन करेगा, अगला विरोध करेगा, अगर अधिवक्ता बंधु बैलगाड़ी से कचहरी आना शुरू कर दें तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए ईवीएम कोई बुरा नहीं है, ईवीएम से क्या है कि त्वरित हमको परिणाम पता चलता है, और बैलेट पेपर में क्या, बैलेट पेपर नहीं वो होते हैं, उठा लिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, ईवीएम मेरे हिसाब से बेस्ट है, उसे त्वरित तो ईवीएम से जो हम बटन, हम जिएंगे आधुनिक युग में, और बात करें कि पुराने समय की बात करें तो क्या बैलेट पेपर नहीं उठा लिया जाता है, नष्ट नहीं कर दिया जाता है, इसे इसे हमें तुरंत परिणाम की, हाँ तो यानी कि जिस तरह से होना चाहिए ईवीएम होना चाहिए, ईवीएम होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, हमारे अधिवक्ता भाई बैलगाड़ी तांगस कचहरी आना शुरू करते तो हम भी उनके साथ रहेंगे, काहे रहेंगे, क्योंकि देश का पैसा ज्यादातर पेट्रोल में जाता है, जहाँ से ये कहते हैं कि लॉन्च हुआ ईवीएम, वहाँ की जितनी जनसंख्या उससे अधिक यहाँ मतदाता है भारत के, दुनिया तो कहा इस कैसे संभव है, समय से और जल्दी पहुँचे, दुनिया चाहती है कि हम समय से और जल्दी काम करें, दुनिया चाहती है कि हमारा इलेक्शन हो तो तुरंत उसका परिणाम आ जाए, दस दिन परिणाम में ही लगे, हाँ अब अगर जैसे ये बता रहे हैं कि भैया पर्ची से हो, पुराने जमाने वाला सिस्टम चालू हो, तो इनका गोरख धंधा भी चालू हो जाएगा, उसमें लूटपाट हो जाएगा, बैलेट बॉक्स में पानी डाल देंगे, तमाम तरीके से जैसे करते थे वही करना चाह रहे हैं, अरे जहाँ जीत जाते हैं वहाँ बैलेट, वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ बैलेट पेपर से, अरे सर जहाँ वो होगा, अरे ये सब गलत बात है, हमारे भारत देश में क्यों करा रही है? नहीं नहीं जहाँ ईवीएम बनाया गया, जहाँ मशीन जो वहाँ नहीं कराया गया है, तो यहाँ की ईवीएम से कराया जा रहा है, हमारा कहना ये मतलब हमारे गांव में एक बार चुनाव हो रहा था, बैलेट पेपर सब होता था, प्रधानी का चुनाव था, उसमें क्या हुआ, गाँव वाले आए विपक्षी, हाँ पूरा बैलेट पेपर ले जाके बैठे सड़क किनारे, वहाँ अपने से मोहर मार ले जाकर पूरा डाल दिए, जब से ईवीएम आ गया है बहुत अच्छा चुनाव था, बहुत जल्द परिणाम मिलता है, इसमें निष्पक्ष, इसमें निष्पक्ष, अरे ये जो जिला पंचायतों का जो सब साथियों हुआ था, इसमें निष्पक्ष होता है, बाकायदे इसमें आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम सब बहुत सही है, बैलेट पेपर ईवीएम सहमत है, इसमें कई बार जाँच भी हुई है, आप लोग जैसा जानते ही है, सुप्रीम कोर्ट से इसमें सब बैठी थी टीम, चुनाव आयोग भी इसमें दिया, इसमें डालने की बात की, लेकिन आज अभी तो काफी चुनाव आयोग ने खुली चेतावनी दी थी, आप जिस पार्टी को मतलब ईवीएम से शिकायत है वो आकर चेक करवा ले, तो कोई पार्टी वहां नहीं गया, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर शिकायत आप वहां जाकर हैक करते ईवीएम तो माना जाता कि हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप ही के अधिवक्ता जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने तो अधिवक्ता बंधु सब चारों तरफ रहते हैं, अलग पार्टी में भी रहते हैं, इधर पार्टी में रहते हैं, इसमें मतलब नहीं है, ईवीएम बेस्ट है, ईवीएम ही रहना चाहिए, ठीक है, बैलेट पेपर से अगर होगा
होगा फिर पश्चिम बंगाल भी हाथ से चला जाएगा आपके। बैलेट पेपर से होना चाहिए हमेशा। कुछ और जी सर आ जाइए। ठीक है ठीक है, नारायण कृपा से ईवीएम बंद किया जाए भाई। अच्छा बात में कुछ सीनियर अधिवक्ता है, आइए हम इनसे जाने जी, आपका क्या राय ईवीएम को लेकर? मेरी राय यह है कि ईवीएम बंद किया जाए, क्योंकि जो ईवीएम में ही धोखाधड़ी है। किस तरह से धोखाधड़ी आपको लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि वो वोट हम जरूर देते हैं अपने प्रत्याशी को, लेकिन वोट जाता है दूसरे प्रत्याशी को, बीजेपी में हैंग हो सकती है। हाँ चेक करा लीजिए। अरे चेक होती है सब, अभी अभी आप हमें होगा हाँ भाई भाई हैंग होती है, ये बात सही है। बैलेट पेपर जहाँ से मशीन निकली वहाँ भी बैलेट पेपर में होता है रूस है ना, इसलिए यहाँ होना चाहिए बैलेट पेपर। जहाँ से निकली वहाँ ये होना, और हैंग हो के हमारा अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में हैंग करके दिखा रहा, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसमें मोदी जी के गणित है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। इसलिए अगर उसमें उनको डर नहीं, चुनाव आयोग को डर नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं, क्यों नहीं कि बैलेट से पेपर कराते, इसलिए होना चाहिए। आप लोगों का विचार है कि बैलेट पेपर होना चाहिए? जी बैलेट पेपर होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, हर मतदाता के मन में शंका है, इसलिए होना चाहिए बैलेट पेपर। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि हमारी मौजूदगी प्रयागराज के जिला न्यायालय में था, यहाँ के अधिवक्ताओं के क्या विचार थे वो हमने आप लोगों को समक्ष रखा। इन लोगों की मांग है कि जो अभी हाल ही में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, यानी कि उसका शंखनाद होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। प्रयागराज से रमेश पटेल।